नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो फ्लीट मैनेजमेंट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर है। एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इसको जरा ध्यान से देखोगे, क्योंकि दो दिन के अंदर, क्योंकि रिटर्न एग्जाम जो होना था वो हो चुका है। आज आज मतलब आज कौन सा दिन, आज मंडे है, मंडे को हो गया है, 24 अप्रैल को। और अब इसका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे जिन बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और उस लिस्ट को मैं यहाँ सामने लेकर के आया हूँ। वन शॉट वीडियो है, ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में खत्म हो जाए सारे के सारे क्वेश्चन और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ और इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे जवाब दे पाओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये वही है, पुराना क्वेश्चन। अगर आप चाहोगे तो मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा जहां पे वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है। काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वाई मर्चेंट नेवी, लगभग सभी लोगों को पहले से पता ही होगा कि आप मर्चेंट नेवी क्यों करना चाहते हो। अगर आप में से लोगों को नहीं पता है कि मर्चेंट नेवी क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जो मैं आई बटन में डाल दूंगा। ये दो वीडियोस आप वहां पे देख लेना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अपने मास्टर क्लास में मैं हमेशा ये बताते रहता हूं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो मर्चेंट नेवी पे ही डिपेंड करती है। बहुत सारा सामान इंडिया में बनता है, इंडिया में पैदा होता है, इंडिया में बनता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में नहीं बनता, तो यहां से वो लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और सीधी सी बात यह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जितना भी चीज है, मतलब यहां से आप बाहर भेज रहे हो, बाहर से यहां पे लेकर के आ रहे हो, वो सारी की सारी चीजें जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें मर्चेंट नेवी के थ्रू करते हैं। क्यों? क्योंकि मर्चेंट नेवी सबसे सस्ता, कम से कम पैसे में और पूरी सेफ्टी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाता है और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि why are you not interested in your father's profession? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, फ्लीट मैनेजमेंट में वो आपसे बार बार ये बार बार आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मर्चेंट नेवी जो है वो आपके लिए अच्छा प्रोफेशन नहीं है, आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, अपने फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा पहले से ही। अब जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी के फादर अगर बिजनेस में है तो वो क्लियरली बोल सकता है कि मैं अपने फादर का बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता, क्योंकि बिजनेस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल रोलर कोस्टर वाली राइड हो रही होती है, कभी पैसा बहुत है तो कभी नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए तो मर्चेंट नेवी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, इसलिए मैं अपने फादर का प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप दूसरी चीजों के लिए भी अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री नेगेटिव थिंग्स अबाउट मर्चेंट नेवी, तीन नेगेटिव चीजें क्या है मर्चेंट नेवी के बारे में। ठीक है, तो तीन नेगेटिव चीजें, वैसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें, हर एक प्रोफेशन में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होता ही होता है, चाहे कैसा भी प्रोफेशन हो, लेकिन अगर कोई यहां पे पूछेगा कि तीन नेगेटिव चीजें क्या है, तो भाई मैं बोल दूंगा कि सबसे पहली नेगेटिव चीज आप अपनी तरफ से भी देख सकते हो, सबसे पहली नेगेटिव चीज है कि आइसोलेशन। आप काफी टाइम तक तो आइसोलेशन में ही रहते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में रहते हो और दुनिया से कट हो जाते हो और उसी जगह पर रहते हो जहां पे इंटरनेट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के साधन कम है, इसलिए आइसोलेशन रहता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप घर नहीं जा सकते। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, घर पे किसी को कुछ हो जाए, तो आप वहां पे घर नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम भी होती है। तीसरी क्या हो सकती है, तीसरा नेगेटिव पॉइंट, कुछ लोगों को सी सिकनेस हो सकता है। ठीक है, कि आपको सी सिकनेस है तो वहां पे आपको तब भी वहां पे रहना ही पड़ेगा, ये तीसरा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आप जो पैसा अर्न कर रहे हो उसको खर्च नहीं कर सकते, नॉट एबल टू एक्सपेंड, स्पेंड नॉट एक्सपेंड, एक्सपेंडिचर डाल सकते हैं या स्पेंड। तो आप जहां पे रह रहे हो उसमें वहां पे पैसा काफी टाइम तक खर्च नहीं कर सकते हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर हो सकती है। हाँ, इसके अलावा पायरेट्स अटैक अब बहुत कम हो गए, तो पायरेट अटैक्स को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। रोलिंग पिचिंग वाली सिचुएशन हो सकती है, बैड वेदर को आप कंसिडर कर सकते हो कि कभी कभी खराब मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, रोलिंग पिचिंग हो सकता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ, शिप पे जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, केवल फर्स्ट एड ही होता है,
मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है, ये भी आप डाल सकते हो। तो ये कुछ कुछ नेगेटिव चीजें हैं। अब जब आप ये बताओगे तो इसके आप बाद आप वो फिर से आपसे पूछेगा कि अगर इतना ही नेगेटिव है तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन जो है कि अगर ये जॉब इतना ही डिफिकल्ट है तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो। तो आप ये बोल सकते हो कि डिफिकल्टी सब जगह होती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब जगह होती है, लेकिन इस जॉब में थोड़े रिस्क हैं तो रिवॉर्ड भी है, और मैं यहां के रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। ठीक है, व्हाई फ्लीट मैनेजमेंट? तो आपको इसके लिए फ्लीट मैनेजमेंट की वेबसाइट विजिट कर लेनी चाहिए, कैसी कंपनी है, कौन कौन से शिप है इनके पास में, कहां कहां पे ये जाते हैं, कितने शिप है, सारी चीजें वहां पे एक बार देख लो ताकि आप इसका आंसर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। इसके बाद आता है डिटेल्स अबाउट कंपनी, वही उसी में ही आ गया है। फिर आता है हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन, इससे डाउट पूछे ही पूछे जाते हैं, आपकी हॉबीज क्या है। तो जो भी हॉबी आप बताओगे, अगर आप बोल रहे हो कि बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी बुक लेटेस्ट पढ़ी थी, उसकी समरी क्या है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन था। मूवीज देखना आपकी हॉबी है, या डांस करना आपकी हॉबी, तो कौन से टाइप का डांस करते हो, उस डांस में कभी कभी डांस की फिजिक्स भी पूछ ली जाती है, कभी कभी टाइप्स ऑफ डांस पूछ लिए जाते हैं। फुटबॉल खेलना हॉबी है तो हो सकता है उससे रिलेटेड मैग्नस इफेक्ट, बर्नौली थ्योरम, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाए। तो बहुत कुछ आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यार, इफ योर सीनियर्स हरास यू व्हाट विल यू डू। ठीक है, आप क्या करोगे? तो भैया देखो, इसमें मैंने साइड में ही लिख दिया है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले आप अपने आप को सेफ करो, दूसरी बात ये है कि रूल फॉलो करो, हरासमेंट से रिलेटेड जो भी आपके रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। आपको अगर अपने कोई सीनियर है, सपोज करो आप डेक कैडेट हो और आपका कोई सीनियर है, थर्ड मेट है, जिसने आपको थप्पड़ मार दिया, आपको हरास किया, गालियां दे दी, कुछ भी कर दिया, उससे रिलेटेड जो भी रूल बुक कहती है आपको वही काम करना है। आपको ये नहीं कि हम सहन कर लेंगे, हम एक बार थप्पड़ खा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो भी रूल बुक कहती है हमें वो रूल बुक फॉलो करनी है, दैट्स इट। तो यही सुनना चाहते हैं तो यही चीज बोलना कि अगर कोई सीनियर मारता है या कुछ भी करता है तो ठीक है। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ समवन सेज समथिंग ऑफेंसिव अबाउट यू? देखो, अगर आपके बारे में कोई भी कुछ ऑफेंसिव बोल रहा है, थोड़ी बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत जरूरी है। अगर वो ऑफेंसिव एक लेवल के ऊपर निकल जाता है तो जो भी वहां का रेगुलेशंस है, जो भी रूल्स है, आप उसको फॉलो करोगे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस यू विल टेक द एक्शन। हाँ, ये मत करना कि उसने थप्पड़ मारा तो मैं भी खींच के थप्पड़ मारूंगा, लड़ाई करने लगूंगा, ये नहीं करना है। What you have to do, you have to follow the rules and regulation, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे यही आंसर सुनना चाहते हैं। What will you do if someone is seriously ill and you are on board? ठीक है, देखो ये दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि आप बोर्ड पे हो, आप शिप पे हो और वहीं पे ही कोई बीमार है, तो अगर कोई वहां पे बीमार है तो आप क्या करोगे? आप वहां पे जो भी फर्स्ट एड होगा, जो भी मेडिकल किट होगी, आप उसको यूज कर सकते हो और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो ताकि सीनियर इसके ऊपर एक्शन ले और उनके घर पे इन्फॉर्म करे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि आप तो शिप पे हो लेकिन आपके घर में कोई बीमार है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को चोट लग गई, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, अभी आप क्या करोगे? ठीक है, इन दैट केस आप क्या करोगे? आप पहली बात तो अपने आप को काम डाउन करोगे, इमोशनली इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस शो करोगे, अपने आप को काम डाउन करो और ये देखो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वहां पे, आपका भाई है, आपके दोस्त हैं, आप उनसे डिस्कशन करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप ले सकते हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दो कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड क्योंकि आप शिप पे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके पास पैसे भी होंगे, यू कैन यूज योर मनी टू सिंप्लीफाई और टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसको ऐसे ही बताना। How would you work in team where boys are in majority? देखो, generally girls से ये चीज पूछी जाती है कि अगर वहां पे boys majority में है तो तुम वहां पे कैसे काम करोगे। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि आजकल boys और girls हर जगह पर एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो corporate world हो या चाहे कोई भी segment उठा के देखो, सब जगह पर boys and girls हर जगह पर एक जगह तरीके से काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो गर्ल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कि जो सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसीज बनी है, जो सारी चीजें बनी है, उनको जैसे भी लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, और लड़कियों को वहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई करता ही नहीं, कोई उल्टा सीधा काम किया ही नहीं जाता है। तो गर्ल्स डायरेक्टली ये बोल सकती है कि वी विल फॉलो द रूल्स एंड आई थिंक आई नो। और तुम रिसर्च भी कर लो इसके ऊपर, यूट्यूब पे रिसर्च करोगे या दूसरी चीजों पे रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है और उनकी सारी की सारी बातें सुनी भी जाती है। अगर वो अपना पॉइंट रखती है तो उनका पॉइंट भी माना जाता है। ठीक है, हाँ, अगर वहां पे तुषार शर्मा सर है
तो वो आपसे रामायण और भगवत गीता के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके स्क्रिप्चर्स को लेकर के। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो मेरा सजेशन ये है कि YouTube पे जाकर के कुछ वीडियोस गो थ्रू कर लो अच्छी तरीके से, जिसमें समरी मिल जाए आपको रामायण की या भगवत गीता की, आपको समरी मिल जाए उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, जैसे भगवत गीता में अलग अलग योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, ये सारी चीजें आप देख लो, वहां पे भक्ति योग है, तो ये सारी चीजें देख लो कितने चैप्टर्स हैं, उनका समरी क्या है, ये जरूर एक बार गो थ्रू करना क्योंकि वो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। इसके बाद व्हेन डिड यू क्राई लास्ट टाइम, लास्ट टाइम आप कब रोए थे ये आपको बताना है। ये आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नेगेटिव एक्सपीरियंस से भी आपने पॉजिटिविटी कैसे निकाली आपको वहां पे ये शो करना है कि लास्ट टाइम आप कब रोए थे, तो आप ये बात उनको बताओ कि आप कब रोए थे, वो कौन सी नेगेटिव सिचुएशन थी, और वो आपसे जरूर पूछेंगे कि उस नेगेटिव सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन साइकोलॉजिकल बेस्ड है तो आपको इनके ऊपर काम ज्यादा करना पड़ेगा। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, जैसे अभी बीच में रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था तो वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके आसपास के पोर्ट्स कौन से हैं, क्या है, ये सब चीजें वो पूछ लेते हैं। अभी राइट नाउ भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज चल रही होगी तो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। आर यू फॉलोइंग एनी सी फेयरर्स ऑन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे किन को फॉलो कर रहे हो, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो सकता है आप शिप सेलर सुनील को फॉलो कर रहे हो, कैप्टन सिंस को फॉलो कर रहे हो, आशीष ठाकुर को फॉलो कर रहे हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, करणवीर नायर को फॉलो कर रहे हो, आप उनके बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करके जाओ, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि उनके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ, उनके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, वो कौन सी पोस्ट में है, कौन सी कंपनी में है, क्या अर्निंग है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो अच्छा सा प्रॉपर आंसर प्रिपेयर कर लो। हाँ, यहाँ पे ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि ड्यूटीज ऑफ डेक कैडेट क्या होता है, या जॉब प्रोफाइल ऑफ थर्ड मेट, जॉब प्रोफाइल ऑफ सेकंड मेट, चीफ मेट, कैप्टन, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शिप सेलर सुनील के साथ वीडियो बनाया था जिसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप एक बार उसको भी चेक कर लो। तो ये वो वाले क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं जो नॉन टेक्निकल साइड पे आते हैं। इसके अलावा टेक्निकल साइड वाले जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी इसका पीडीएफ पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। और अगर आप लोग एंग्लो ईस्टर्न के लिए प्रिपेयर कर चुके हो या ग्रेट ईस्टर्न के लिए प्रिपेयर कर चुके हो तो आपको पता होगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो अगर आप ये कर लोगे तो होपफुली मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। थोड़े बहुत ही आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड होप फॉर द बेस्ट, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। अभी हम लोग 1st of May से एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो अनअकैडमी के साथ में स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल क्विक रिवीजन बैच होगा, वन शॉट टाइप के वीडियो होंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ उसमें सॉल्व होने वाले हैं और बहुत अच्छा रिगरस प्रिपरेशन होने वाला है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैं 2-3 बार दिखा चुका हूं। ओके, all the best guys.